हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के दिन की जो शुरुआत है ये हमारी गुड़गांव से हो रही है शुरू। आज हमको जाना था गुड़गांव, तो सुबह सुबह जल्दी से नहाए धोए पूजा करी चाय पी के हम लोग निकल लिए कार में बैठ के मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा घर पे ही आ गए थे हमको रिसीव करने के लिए। उसके बाद थोड़ी सी जर्नी करने के बाद हम लोग रुके एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर नाश्ता किया सुबह का ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ऐसे ही निकल लिए थे बिना कुछ खाए। तो यहाँ पर हमने खाया, मैंने मम्मी पापा ने मिक्स वेज वाला पराठा और हनु ने खाया पाव भाजी, और हम लोगों ने उसके बाद चाय पी और हनु ने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए वापस गुड़गांव आने के लिए, और गुड़गांव आने के बाद यहाँ पर आए, बच्चों के साथ मिले, बच्चों के साथ की हमने मस्ती। पूरा एक साल हो गया लगभग हम लोगों को बच्चों से मिले हुए, तो बच्चे काफ़ी खुश थे हनु को देखकर, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे क्योंकि बहुत दिनों बाद साथ में खेलने को मिल रहा है। वान्या सो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो राम्या और हनु दोनों गेम्स खेल रहे थे, ये जो पजल्स वाले होते हैं, सर्कल ऐड करके बनाना था गेम, और इन दोनों ने बहुत जल्दी बना भी लिया इसको, क्योंकि राम्या भी अब एक्सपर्ट हो गई है इसको खेल खेल के। और फिर हम लोगों ने पी चाय, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, मस्ती की, सबके साथ एंजॉय किया। पहला दिन था हमारा गुड़गांव का, एक तो सफ़र में थोड़ी सी थकान भी हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों से मिलके थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया हमारा। फिर उसके बाद खाने की तैयारी की थी, तो इन लोगों ने पहले से ही सब खाने पीने की तैयारी कर रखी थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा एंजॉय करके फिर खाना खाया दोपहर का। कल है राम्या का बर्थडे, जिसके लिए हम लोग एक दिन पहले ही आ गए थे, और ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये छोटे वाले भाई ने गिफ्ट भेजा था राम्या के लिए, बैलून फुलाने वाला। और हम लोग भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं राम्या के लिए, कपड़े वगैरह भी लाए थे, मिठाई लाए थे, नमकीन लाए थे। तो बच्चों के साथ हम लोग कर रहे थे उधम, पूरा एक साल हो गया बच्चों के साथ खेले हुए। और जब मैं पिछली बार गुड़गांव आई थी तो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बोलने भी लगे हैं और खेलने भी लगे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ खेलने में। उसके बाद हम लोगों ने खूब मस्ती की यहाँ पर। आप लोगों के काफ़ी दिन से ना चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम वेट लॉस चैलेंज शुरू करो, और मुझे भी लग रहा है अब इस वाली वीडियो में देखकर कि मैं थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ। तो अभी यहाँ से गुड़गांव से वापस लौट के फिर शुरू करेंगे वेट लॉस चैलेंज, क्योंकि फिर से थोड़ा सा वेट लॉस करना है। तो कौन कौन मेरे साथ वेट लॉस चैलेंज शुरू करना चाहता है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बच्चों के साथ बहुत सारी मस्ती की हमने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर मुझे पता है कि 3-4 दिन हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड भी खाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट मेरा और पुट ऑन होने ही वाला है 3-4 दिन में। तो अब यहाँ से जाने के बाद शुरू करेंगे डिटॉक्स वाटर, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, नई नई वेट लॉस रेसिपीज भी शेयर करूँगी, और क्या क्या एक्सरसाइज करूँगी और क्या क्या मैं अपने डाइट प्लान में शामिल करूँगी, वो सब कुछ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए, इसे पूरा देखना, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग देख सको। तो आज का जो ये ब्लॉग है ना, ये सिंपल ब्लॉग है, मतलब जैसे और लोग ब्लॉग्स बनाते हैं पूरे दिन का रूटीन दिखाते हैं, मैंने भी आज के इस ब्लॉग में पूरे दिन का रूटीन दिखाया है। बच्चों के साथ उधम मचा मचा के फिर लगभग 3 बजे का समय हो गया था, और हमारे खाने पीने का भी समय हो गया था, तो मम्मी खाना लगाने के लिए जा रही थी, क्योंकि अर्चना का भी जॉब चल रही है, तो वो अपनी जो है उसका वर्क फ्रॉम होम ही चलता है छोटी वाली सिस्टर का, तो वो अपना जॉब में बिजी थी, आज उसकी छुट्टी नहीं थी, कल से उसने छुट्टी ले ली है अब, क्योंकि हम लोग आए हुए हैं। तो खाना वगैरह जो है मेड दीदी जो है उन्होंने बना के रख दिया था सारा कुछ, तो हम लोगों को बस सर्व करना था, तो खाना सर्व किया। ये मम्मी घर से बना कर लाई थी लिसौड़े की सब्ज़ी, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सब्ज़ी खाई है, और अगर आप लोगों की सिटी में इसे कुछ और कहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर इस वाली सब्ज़ी को क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ पर तो इसे लिसौड़े की सब्ज़ी कहते हैं और लवेड़े की सब्ज़ी भी कहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने, मैं जानती हूँ, इसका नाम भी नहीं सुना होगा, ना ही उनको पता होगा कि ऐसा भी कुछ बनता है। हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, लेकिन हनु ने खाना नहीं खाया था, वो सो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। उसके बाद उसने कहा मम्मी मुझे खाना नहीं खाना, तो मैंने उसके लिए गार्लिक ब्रेड वाले जो सैंडविच होते हैं, मैं आप लोगों के साथ बहुत बार ना वेजिटेबल्स वगैरह के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने उसकी मैंने सब्ज़ी ही भर दी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो खाना खाए, बट उसने नहीं खाया था, तो मैंने ना एक ब्रेड पे गार्लिक वाली जो मेयोनीज होती है वो लगाकर दूसरी ब्रेड पे सॉस लगाई, और बीच में मैंने जो गोभी आलू की सब्ज़ी थी वो भर दी थी अच्छे से, जिससे कि उसके लिए कुछ हेल्दी कॉम्बिनेशन बन गया था।
तो उसने चाय के साथ वही खा लिया था। ये लगभग उसने शाम को 5 बजे करीब पिया था और हम लोगों ने फिर इसके बाद पी थी एक एक कप चाय। छोटी वाली सिस्टर की यहाँ पर कल रात से लाइट नहीं थी, कल रात को शायद इसकी यहाँ पर ट्रांसफार्मर फूक गया था और रात भर सब लोग जगे रहे, बच्चे और ये लोग सब परेशान हो गए थे। तो बाकी सब लोग ना सो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो हनु जब सोकर उठा तब मैंने पहले उसके लिए ये बनाया, जो लंच उसने नहीं किया था वो इवनिंग के टाइम पर कुछ इस तरीके से उसने खाया, लंच और ब्रंच का कुछ कॉम्बिनेशन जो कि मैंने सेट कर दिया था उसे खाने के लिए। और हम लोगों के लिए सबके लिए चाय बना ली थी और इत्तेफाक से काम वाली भी नहीं आई थी अर्चना की, तो सब लोगों ने मिल के ही घर का सारा काम किया था। गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर हमारे यहाँ पर 47-48 के समथिंग चल रहा है और यहाँ पर गुड़गांव में भी यही हाल है कि अगर आप एसी में नहीं बैठे हैं तो आप बस गर्मी के मारे बेहाल ही हो जाएंगे। तो सब लोग, दोनों रूम में एसी चल रहे थे, आधे लोग इधर थे और आधे लोग उधर थे और हम लोग सोच रहे थे कि अगर लाइट नहीं आएगी तो हमारा क्या होगा, क्योंकि रात भर लाइट नहीं आई थी। लेकिन अच्छा हुआ कि हमारे घर पर पहुँचने से पहले ही लाइट आ चुकी थी तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद ये अर्चना अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और मैं हनु को लेकर आई थी ब्रेकफास्ट, जिसे देखकर वो खुश हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं, लंच था उसका ये। और बाकी सब थोड़ा बहुत अपना एंजॉय कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे क्योंकि सोकर जगे थे तभी। उसके बाद चाय बनाई और अर्चना ने दोपहर को लंच नहीं किया था, उसके लिए मैंने जो था लंच वो चाय के साथ ही दे दिया क्योंकि उसकी जॉब अभी ख़त्म हुई थी तो उसने अब जाके लंच किया था। और ये हनु दोनों बच्चों को खिला रहा था और हम सब लोग बैठ के बात भी बना रहे थे और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। राम्या को फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो वो फ्रूट्स खा रही थी और वान्या को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो देख रही थी सारा का सारा सामान जो भी कुछ हम यहाँ से लेकर गए थे अलीगढ़ से, और खा रही थी पापड़। आपने पिछले वाले ब्लॉग में भी देखा था जब मैं पिछली बार गुड़गांव आई थी कि वान्या जो है वो पापड़ की चटोरी है, मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था। और राम्या को ना ये बबल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो उसके लिए अलीगढ़ से लेकर आए थे हम लोग, तो ये मैं निकाल रही थी, खिला रही थी उसे इससे और वो बड़ा एक्साइटेड होकर कूद रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, इतना ज़्यादा खुश उसे देखकर, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मज़ा आता है जब बच्चे इतने ज़्यादा खुश होते हैं तो दिल से अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं और हनु तो आ गए थे गुड़गांव मम्मी पापा के साथ, लेकिन राम्या के प्यारे मौसा जी नहीं आए, जिसका दुख राम्या को बहुत ज़्यादा था और वो बार बार यही बोल रही थी कि मौसा जी आ गए, लेकिन मौसा जी नहीं आए थे। तो राम्या का जो इंतज़ार है मौसा जी के लिए वो पता नहीं कब ख़त्म होगा, या तो राम्या आएगी अलीगढ़ तब या फिर देखो मौसा जी कब आते हैं, क्योंकि हम लोग तो मम्मी पापा के साथ ही निकल जाएंगे वापस, इनका लेकर मतलब इनके आने का कोई सवाल ही नहीं कि ये लेने के लिए आए। तो अब इंतज़ार है कल के दिन का और कल मनाएंगे अच्छे से राम्या का बर्थडे, जो कि आप लोगों को उसका जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट डे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आज का जो ब्लॉग है ये मैं कल सुबह सुबह पोस्ट करूंगी जो आप लोगों को कल सुबह सुबह देखने को मिलेगा। और बर्थडे का जो पूरा ब्लॉग है मैं पूरा का पूरा शूट करने की कोशिश करूंगी, शायद घर में भी सेलिब्रेट करेंगे और शायद कहीं बाहर भी जा सकते हैं, तो वो सब कुछ जो भी है सेलिब्रेशन वो सब प्लीज़ देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वाले ब्लॉग को भी पूरा देखना और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे मैसेज ज़रूर करना, ठीक है, कि कौन कौन एक्साइटेड है कल का ब्लॉग देखने के लिए। स्पेशल ब्लॉग है, जब हम लोग पिछली बार गुड़गांव आए थे तब हम लोग अभय का बर्थडे मनाकर गए थे, जिन लोगों ने जो लोग मतलब मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पिछले वाली भी सारी की सारी वीडियोज़ दे रखी हैं उन सब लोगों ने देखा होगा अभय का बर्थडे सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग। और इस बार हम लोग थोड़ा सा और जल्दी आ गए हैं तो इस बार हम लोग राम्या का बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो अब तक दो बार ही गुड़गांव आए हैं और दोनों बार बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन तो होगा कल, लेकिन आज हम लोगों ने प्लान बनाया था प्री सेलिब्रेशन का बर्थडे से पहले ही। तो हनु का मन था कि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाए, तो रात को हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी। वैसे तो हमारी सुबह से ही पार्टी चल रही थी क्योंकि सुबह से ही हम लोग ऐसे ही सब कुछ खा रहे थे, सुबह भी रेस्टोरेंट में ही खाना खाया था और रात को भी, आज हमने बस बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है हमारा और अभी कल की भी हमारी पार्टी है, तो कल सुबह ब्रेकफास्ट और लंच हमको थोड़ा सा ना लाइट रखना पड़ेगा। और ये हम लोगों ने ना बाहर वाले रूम में बेड बेड सब हटाकर ज़मीन पे गद्दे सेट कर लिए थे क्योंकि हम सब लोग एक बेड पर आ नहीं पाते और
फिर ऊपर नीचे बैठते हैं तो वो अच्छा सा नहीं लगता है, तो इस तरीके से सेट कर लिया था। और बच्चे बड़े खुश थे जब हम लोगों ने ज़मीन पे ही गद्दे सेट कर लिए, क्योंकि अब इनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल पा रहा था खेलने के लिए, उधम मचाने के लिए। और ये जो राम्या लेकर घूम रही है ना, ये गिफ्ट भेजा है बड़ी वाले भाभी भैया ने राम्या के लिए, जिसको देखकर राम्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। और ये मम्मी उसे पोएम सुना रही थी और वो साथ साथ सुना रही थी, जो आप लोग एंजॉय कीजिए। भैया उसके बाद रात को, जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया था, हमने चार वैरायटी के चार पिज़्ज़ा मंगाए थे और इतना ठूस ठूस के आज हमने पिज़्ज़ा खाया है। जीवन में इतना पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया, बहुत मतलब अच्छे से बहुत ज़्यादा खाया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। मैंने काफ़ी टाइम से इतना सारा पिज़्ज़ा नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे सारे के सारे पिज़्ज़ा। साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक भी एंजॉय की। और अब सोच ही लिया है कि जब यहाँ से जाके डाइटिंग करनी ही है तो जो जैसे जितना खाया जा रहा है खा लेते हैं, जब मन भर जाएगा तब फिर अच्छे से डाइटिंग करेंगे। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।